हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को इसराइल के प्रतिनिधिमंडल और हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में जल संसाधन को लेकर हरियाणा इसराइल के सहयोग पर मंथन हुआ। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को इसराइल के प्रतिनिधिमंडल और हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल संसाधन के क्षेत्र में हरियाणा और इसराइल मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में घटते जल स्तर और इसराइल में कम पानी की समस्या है, ऐसे में दोनों मिलकर तकनीक और अन्य विषयों पर काम कर सकते हैं। इससे हरियाणा और इसराइल में पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में जल स्तर तेजी से गिर रहा है, ऐसे में प्रदेश सरकार पानी बचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार ने बनाया हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण। प्रदेश के 18,000 तालाबों के जीर्णोद्धार का उठाया जिम्मा। तालाबों की सफाई के साथ साथ इन्हें डिसिल्ट भी किया जाए। डिसिल्ट होने से भूमि में पानी की ज्यादा रिचार्जिंग हो पाएगी। प्रदेश भर में लगाए जा रहे हैं एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। एसटीपी के पानी को उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। खेती निर्माण और घरों में गार्डनिंग के लिए किया जाएगा उपयोग। सरकार खेती में ड्रिप इरिगेशन को दे रही बढ़ावा। पानी बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसराइल और हरियाणा दोनों ही पानी की चुनौती को समझते हैं। मुझे लगता है कि हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। इसराइल पहले ही हरियाणा के साथ कृषि और बागवानी के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। हरियाणा में इंडो इसराइल सहयोग के 4 उत्कृष्टता केंद्र चल रहे हैं और 5वां केंद्र भिवानी में बनाया जा रहा है। इसी तरह ड्रिप इरिगेशन में भारत की कुछ निजी कंपनियां इसराइल में कार्य कर रही हैं। पानी बचाने के लिए हम दोनों को सहयोग करके आगे बढ़ना होगा, इससे हमारे संबंध और मधुर होंगे। इसराइल के साथ मिलकर जल संसाधन एवं प्रबंधन के विषय पर कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को एक टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों को एक दूसरे की तकनीक आविष्कार और चुनौतियों से सीखने की जरूरत है, इसके लिए टास्क फोर्स काम करे। मुख्यमंत्री ने इसराइल के प्रतिनिधि मंडल का आह्वान किया वे ऐसे प्रोजेक्ट और प्लान हरियाणा में लेकर आए जिससे पानी का सही इस्तेमाल किया जा सके और कम पानी में भी भूमि की उपजाऊ शक्ति को कायम रखा जा सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हरियाणा और इसराइल को भविष्य में और आगे बढ़ना है। इसराइल के पूर्व मंत्री और मोकोरोड के चेयरमैन अरोनोविच इत्सहाक ने कहा कि इसराइल जल संसाधन में एक अग्रणी देश है। कम पानी होने के बावजूद यहां अच्छे जल प्रबंधन से खेती की जा रही है। हम चाहते हैं कि इसराइल की तकनीक और अन्य संसाधनों के माध्यम से हरियाणा को टिकाऊ जल प्रबंधन एवं संसाधन का समाधान दिया जा सके। बाढ़ सूखे वाटर रिचार्जिंग की स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए अच्छे प्लान तैयार किए जाए। अरोनोविच ने कहा कि इसराइल दूरगामी सोच के साथ जल प्रबंधन और संसाधन पर कार्य कर रहा है, इसी तरह वो हरियाणा में भी कार्य करना चाहते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन केशनी आनंद अरोड़ा, विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ सतबीर कादियान, इजरायली दूतावास दिल्ली के जल विशेषज्ञ डॉक्टर लियोर असफ, ब्राक ग्रावर डॉक्टर डियोग बर्जर, न्यू पिंटो नीरज गहलावर, ओडेट कोहलर मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट।